उपचार के साथ कई लोगों ने कैंसर से लड़कर जिंदगी की जंग जीती है और दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। कैंसर के बाद का जीवन भी सुंदर है, इसी बात को समझाने के लिए दिल्ली की इंडियन कैंसर सोसाइटी ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था सर्वाइवर्स डे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। दिल्ली की इंडियन कैंसर सोसाइटी ने दिल्ली स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था सर्वाइवर्स डे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम में कई कैंसर सर्वाइवर्स और जाने माने डॉक्टर्स ने भाग लिया। इंडियन कैंसर सोसाइटी का कथन है, कैंसर पर विजय पाना इत्तेफाक नहीं हमारा चयन है। तंबाकू को जीवन से भगा भगा और मदिरा बंद न कर पाए तो जरा जरा तो ये मंत्र है शीघ्र ज्ञान कैंसर का निदान। 13 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ लेकिन मैंने अपना टाइम से उसी वक्त डॉक्टर्स को मिलकर अपना चेकअप करवा के अपना इलाज करवाया। उसके बाद मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्वाइन करी और उसमें मेरी हौसला अफजाई और भी बढ़ी और हम जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, कैंसर के बारे में बताते हैं। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैं 4 साल का था जब मुझे कैंसर हुआ था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपनी डॉक्टर, जो मेरी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है डॉक्टर गौरी कपूर, जिन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कैंसर कैन नॉट स्मैच माई लाइफ, रादर गिव मी अ न्यू लाइफ। मुझे एक बार नहीं दो बार कैंसर हुआ और मैं दोनों बार उस पर जीत पाकर आज यहाँ पहुँची हूँ ये दिखाने के लिए कि कैंसर के बाद भी लाइफ है। राइज अगेंस्ट कैंसर। कैंसर का मीनिंग मौत नहीं है, बस सिर्फ ये है कि आप जल्दी से अपना जांच कराएं और जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, आपका जीवन भी इसी तरह खुशहाल रहेगा। इस तरह के आयोजन से लोगों में न केवल अवेयरनेस आती है बल्कि जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है वह बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं ताकि दूसरे लोग भी इस बीमारी से लड़ने की प्रेरणा पा सके, क्योंकि जानकारी ही बचाव है।